खा लेने बिटिया। राम राम जी सारा ना, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने देसी जॉइंट फैमिली में। एक बार फिर से भाई हमारी तरफ से आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आज का व्लॉग आपको ना कल मिलेगा, तो इसलिए आज महाशिवरात्रि है तो मैं तो आज ये बोलूँगी भाई। आज के मतलब दिन के दिन ना व्लॉग डालना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया है, वीडियो तैयार करनी, फिर प्रोसेस, फिर अपलोड, टाइम नहीं लगता, तो इसलिए अगले दिन व्लॉग पॉसिबल हुआ है। तो आज का व्लॉग शुरू कर दिया, अभी टाइम हो रहा है दोपहर का। बच्चों की आज भी छुट्टी है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि का व्रत है, और भाई हमारा आज दुर्भाग्य है कि हम आज वक्त नहीं रह पाए। अभी एक बार तो मिनटों को भी बात तो बहुत था भाई व्रती रहने का। आज के दिन व्रती रहें, भगवान भोलेनाथ पर जावें, जल चढ़ावें, मेले में जावें, तो भाई आज पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जो हमारे यहाँ आप सबको पता भी पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, पता होगा, तो जो लड़की हो रही है तो भाई उसकी उमाम नहीं करवाई है, तो इस वजह तक जो जात नहीं लगा सकते ना हम व्रती रह सकते। तो बस बच्चे जाऊँगे, मेले में जाऊँगे, खा पी आऊँगे, इन्जॉय कराऊँगे क्योंकि भाई आज नज़दीक में मेला लग गया है गाँव के पास में, दूसरे गाँव के नज़दीक में, तो बस थोड़ी दूर है। तो अभी बच्चे बस कर लाग रहे थे काम, भूमि गई है बाहर, मैंने आज कपड़े धोए हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे, भाई कपड़े धोते आना आ गई मुसीबत क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो रही है कपड़े धोने की, और मिस्त्री द्वारा फ़ोन कर रखा है वो आज शाम ना होगा, तो कपड़े धोने थे बहुत ज़रूरी, और मौसम कति ख़राब रहा है तो इस वजह से कपड़े नहीं सूखेंगे मशीन में, तो फिर तार पर डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े धो रखे हैं, रात मैंने कुछ थोड़ा सा और काम कराया है, तो भाई कुछ थोड़ा वो टाइम निकालना पड़ जाए कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो मैंने अपनी अलमारी की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करी है, भी साफ सफाई भी ज़रूरी है, आप सबने दिख रहा होगा मेरी अलमारी की का सेटअप है, इस तरह मैं अपनी अलमारी में रखा करूँ, थोड़ा अंधेरा सा आ जाए इस जगह पर, तो इसका मैंने यहाँ पहले कपड़ा बिछा रखा तो कपड़ा उतार दिया, थोड़ा मेला सा हो रहा था तो इसको मैंने कवर लगा दिया, और नीचे के कवर बचे नहीं तो भाई वे कवर फिर मंगवाऊँगी और फिर सेटअप होगा, तो इसका थोड़ी अलमारी अच्छी सी लग गई है, कपड़े सेट हो गए हैं और करूँगी कपड़े का प्रेस भी, आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और बाहर चल लो एक बार दिखाती हूँ मैं आप सब, अरे बड़का तो बुझी कोड़ बढ़ जाओगे भाई मेरे में, अरे कपड़े चेंज करके जाने हैं, हरिदरनी देख लो भाई पिंक मशीन पर बैठी आज सूट साट समा रहा है, हरिदरनी ने किए काम कर दिया, किए काम कर दिया भाई तेने, साफ सफाई नकड़ी कर दी गिर देने था देख लो भाई छोरे की सेटिंग, अरे बस सिर्फ कपड़े सूख गए हैं ना तार दें, छोरी का पढ़ना देख लो कुकर घूम घूम का पढ़ा आए भूमि का, और भाई मौसम तो आजकल सायरा है, धूप ताप इसी निकला है, बादल बुदल हो रहे हैं, धूप गर्मी कति पूरी हो रही है, और कपड़े सारे देख लो कितने धो रखे हैं आज, कि भी नसंगवान मेरे तैकड़ मेरे फिर प्रेस कर में इतना जोटा लगेगा क्योंकि भी गर्मी है, और अंदर भी देख लो परंडे में कितने हो रहे हैं, इतना मतलब टाइम लग गया है, इतना मुश्किल हो जाए है मशीन में, बिल्कुल थोड़े थोड़े गेर के घुमाने पड़े क्योंकि जो सुखाने वाली मशीन है ना तो वह घूमने के बजाय एक साइड में घूम है, तो मशीन के लग गया है, और आजकल नहर भी थोड़ा जवार नहीं लानी पड़ रही मैंने, नहर भी थोड़ा इस टाइप का लेना पड़ा है जो दूसरी क्यारी में हो रहा है ना तैयार, आप सब पता है एक दिन दिखाया भी था पिछली वीडियो में, तो यो नहर गायें बहुत राज्यों का खा हुए हैं, कति हरिया कति ग्रीन है कति नू हरिया तूड़े में मिला के इस तरह खा जाए मनु पाड़ के क्योंकि इन दिनों में तो हरिया नहर तो बहुत बढ़िया लग गया, डंगर दिख नहीं रहा सुंदर सा लग गया ना, इस वजह से देख लो गंदासी के आगे हो रहे हैं, जवार बल्कि आजकल सूखी सूखी सी हो रही है, वह पीली पीली सी हो जाए है, और फिर वह कम खावे हैं राज्य होगा, इस नहर ने बहुत राज्य होकर खावे हैं डांगर क्योंकि भी सामन लग रहा है, सामन में बारिश हो जा है, घास घूस नहर नूर तो हो जा है, कैरिया में इतना हो जाए सपड़ाए तभी नहीं सपड़ता, खा लेने बिटिया देख लो भाई भूमि ने ना ये तीनों भाई गए थे, भूमि यहीं पर रह गई, पापा गाड़ी लेकर नहीं गए, और केले खाए छोले कुलचे लेकर आए, उसका और ये ना सुबह की क्लिप है जब सुबह मैं कपड़े धो रही थी और पिंकी ने रसोई में खाना पीना बना दिया था, तो भैया आज बनाई है पिंकी ने दाल और घिया, जैसे चने की दाल होती है ना उसमें घिया डाल के वह सब्जी बनाई है, तो भाई वह बच्चा ने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सारी फैमिली कति खुश होकर खा ले है, तो पिंकी ने पहले रोटी तो बना दी है, और मैं और काम लाग रही हूँ आज, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, और ऊपर था थोड़ा माइंड सा भी ख़राब हो रहा है क्योंकि मशीन थोड़ी ख़राब सी होगी इस वजह से, तो पिंकी ने भी इन्नी वंशु की रोटी डाल दी है, अरे भूमि चीनू तो पूछ रही थी रोटी के लिए, तो इन्ना मना कर दिया मम्मी अभी भूख नहीं है,
है, तो भूमि अभी नहा ली है और मैंने कपड़े धो दिए हैं क्योंकि भैया आज मशीन ख़राब है ना, तो थोड़े थोड़े कपड़े सुखा के बस बाहर पहुँचान लग रही हूँ खाट पर, बस पानी साया निचोड़ूँ तो कति थोड़ी थोड़ी मशीन घुमाऊँ, तो मिस्त्री बुला रखा है। तो फिर मैंने भूमि तक कह दिया था बेटा आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो मैं तू कपड़े ना तार पर डाल दे क्योंकि भाई गुड़िया है काम तो सारा सिखाना पड़ा है। इधर पिंकी रोटी लेकर ना अंदर कमरे में जान लग रही है बड़का की, तो फिर बड़का ने अंदर तक गेट खोल दिया, अभी जाले के गेट होने में ना फिर एक आदमी ने ना गेट खोलना पड़ा है ना, तो रोटी लेकर जाने में ना फिर दिक्कत आ जाए। तो भूमि ना फिर फटाफट इनका मामा पूरी हेल्प करवा दे मेरी, मैंने चीनू तनु कही थी बेटा तू महा क्लिप निकाल दे मेरी, हो सकता है मेरे पर लोग ना भी बने, तो इस वजह से ना फिर दिक्कत आ जाए। कितनी आवाज़ कर रही है, साफ हो गया मिस्त्री बुला रहा है, मशीन का लागे एक साइड में, तो इसकी वाल कटा है वो पता नहीं, हर बार मिस्त्री बनाना पड़ता है, 4 महीने में क्या है जा भूमि कपड़े दुकान का ही लगाई क्योंकि आज बहुत ज्यादा कपड़े हो रहे थे ना कल से भूमि से, कति मड़े मड़े पानी है निचोड़ तो कट दो बार धूप में कति आम ले गिरूंगी तो कपड़ा का रंग खराब हो जाएगा, बिना निचोड़े गिरूंगी ना तो फिर रंग सा खराब हो जाए, मशीन सुखा कति मड़े मड़े सुखा। दिन में बालक मेले में तो आगे थे खा पी कर फिर थोड़ा रेस्ट करा भाई, फिर मैंने करिए खूब सारे कपड़े का पड़ा, सिर्फ शाम का टाइम हो रहा है, आज मौसम हो रहा है कति बढ़िया, ये एकदम तबादल आ गया, बारिश भी आ गई, देख लो गडाला हो रहा है, भूमि बहन लग रही है पहाड़ी, मैंने धार दूर काट दी है और भाई हरियाणा लिया तो नहीं इतना तो फायदा हो जाए, मैंने धार काटते सारा काम निपटा दिया, धुआं कर दिया हर गाय पानी पुनी पिया कति फरी कर दी है, अरे अपना खोर भर का छोड़ दी है, अपना खाए जाएंगे बैठी बैठी, ये अपना खोर भर का छोड़ दिए खाए जाएंगे, अरे ठग मच्छरदानी गिर दूंगी अपना सुबह तक फ्री, अरे ना तो अगर अरे हरियाणा ना होना फिर तू चान के हमारे आना ही पड़ा है इनके आगे। और भाई आज का दिन थोड़ा सा अपसेट मूड था क्योंकि भाई जब आदमी काम करा ना इसमें चक्को होया, और जब काम में थोड़ी दिक्कत आ जाए, काम ना बना है, अड़चन आ जाए या मशीन ख़राब हो जाए कुछ भी हो जाए, तो काम थोड़ा पीछे हो जाए, मूड थोड़ा अपसेट हो जाए, तो भाई किसी के साथ भी हो ऐसा सबके साथ हो जाए भाई, मेरे साथ नहीं। और आज शिवरात्रि का दिन था, थोड़ा मन तो उदास था मायूस था क्योंकि भाई भोले भगवान का व्रत नहीं रह पाए और ना जा पाए, बट भाई क्या करें जो भगवान को मंजूर होता वही है, पर भगवान शिव जी भगवान ने मारते ना घर आए दर्शन दे दिए, भाई आप सब बताइयो शिवरात्रि के दिन घर में सांप का पाना या दिखाई देना या दर्शन देना शुभ होगा या अशुभ होगा, कमेंट में ज़रूर बताइयो क्योंकि आज के दिन हमारे घर में सांप मिला था सुबह, ठीक है। तो भाई बाकी कैसे मिला, क्या कुछ मिला, किसने उठाया, क्या करा, वो सब आप देसी जागरण फैमिली जो हमारा चैनल है उस पर जाकर देखियो, सारा कुछ उसमें आपने देखने मिलेगा, पर कमेंट में ज़रूर बताइए क्योंकि भाई बहुत सी बातों का खुद ना पता होता, भाई एक दूसरे की सलाह सबने लेनी पड़ जाए, और हमारी वीडियो कैसी लगी आप सबने बता दियो कमेंट में, ठीक है। क्योंकि और महाशिवरात्रि के दिन भाई मन है सब भोले भगवान के दर्शन हो जाए हैं, सांप का दिखना शुभ भी हुआ है, भाई मैं कह नहीं सकती शुभ हुआ है किसा हो है, और मौसम हो रहा है कति खराब, पता नहीं वीडियो ना धुंधली सी बन जाए, कड़ा कड़ा समा भाई, बारिश होने के कारण सारे आड़े बैठे थे, सारे चले गए गली में, सारे बैठे हैं यहाँ पे, उनकी बैठी है फोन चला लग रही है और सांझे खाने पीने की कर लग रही है तैयारी, आटा पिंकिल लगा दिया सब्जी का, देखते हैं शायद सुबह की तरी है चटनी बनाऊँगे, तो भी हमारी वीडियो कैसी लगी आप सब ने बता दिए, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, राम राम सारा। मशीन का लागे एक साइड में, तो इसकी वाल कटा है वो पता नहीं, हर बार मिस्त्री बनाना पड़ता है, 4 महीने में क्या है जा भूमि कपड़े दुकान का ही लगाई क्योंकि आज बहुत ज्यादा कपड़े हो रहे थे ना कल से भूमि से, कति मड़े मड़े पानी है निचोड़ तो कट दो बार धूप में, कति आम ले गिरूंगी तो कपड़े का रंग खराब हो जाएगा, बिना निचोड़े गिरूंगी ना तो फिर रंग सा खराब हो जाए, मशीन सुखा कति मड़े मड़े सुखा।